नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में मची सियासी उथल पुथल को लेकर दिल्ली में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र जिस तरीके से राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, आगामी 90 दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ महायुति गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तमाम रणनीतियां तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय न मिलने से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और इसके साथ साथ अनुप्रिया पटेल और इसके साथ साथ बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में प्रख्यात जयंत चौधरी को जब केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है, तो आखिरकार शिवसेना और शिंदे गुट के विधायकों को, सांसदों को यहां पर मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है। बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या आगामी वक्त में 90 दिनों के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बजने वाला है, उस बिगुल को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट को बड़ी जिम्मेदारियां देती हुई नजर आएगी। लेकिन यहां अजीत गुट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम किसी भी फैसले को लेकर आगामी वक्त में स्वतंत्र हैं, कोई भी चीज यहां कहीं ना कहीं दबाव महसूस नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों को जिस तरीके से तैयार कर रही है, उन रणनीतियों को अमली जामा पहनाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त महाराष्ट्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सबसे बड़े राजनीतिक दल होते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और अजीत गुट के ऊपर काफी कुछ दारोमदार नजर आता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी से नाराज ना खुश दिखाई दे रहे यहां पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट के लिए क्या आगामी वक्त में यहां पर अपने पुराने दलों का रास्ता तय करने की कोई तैयारियां चल रही हैं, क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मिलकर एक बार फिर से अजीत पवार और इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे अपनी राजनीति तय करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से करवट बदलती नजर आती है और क्या वाकई में शिंदे और अजीत गुट यहां से कोई बड़ी बगावत करते नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दिनों की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।